मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सोशल मीडिया के तमाम साथियों का, जिनकी वजह से देश के अंदर बहुजनों के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो आप लोग ही हैं जिनकी वजह से पूरे देश में इस आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। जिस काम को स्ट्रीम मीडिया केंद्र की सरकार की गोद में बैठे रहने के कारण नहीं उठा पाती वो आप लोगों की वजह से पूरे देश में देखने को और सुनने को मिलती है। मैं दिल की गहराई से तमाम पत्रकार साथियों का जो सोशल मीडिया का संचालन कर रहे हैं आपका मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से इस मोमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज का मकसद सिर्फ इतना है कि हम 10 बजे 25 अक्टूबर को दिल्ली के सिविल लाइन के चंदकी राम अखाड़े में इकट्ठा होकर के दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से उनके घोषणा पत्र में किए गए वायदों की वायदा खिलाफी की याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है और तीनों वर्षों के घोषणा पत्र इसके अंदर है। जब चुनाव हुआ 2014, 2015 और उसके बाद में 2020, इन तीनों ही घोषणा पत्रों में जो उन्होंने वायदे किए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, जो उन्होंने वादा किया दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए, और इस तरीके जो दिल्ली में युवा वर्ग है 8 लाख वैकेंसियों को सरकारी तौर पे भरने का जो उन्होंने वादा किया था, और महिलाओं के लिए आवाज़ उठा करके निर्भया केस के अंदर जो उन्होंने एक आश्वासन दिया था देश के अंदर कि जहां पर भी महिलाओं के साथ बलात्कार के केस होंगे उनके साथ हत्याएं होंगी, तो हम जो है आवाज़ उठा करके सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। उनके परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी दिलाएंगे, रहने के लिए फ्लैट दिलाएंगे। जब से 7 साल में ये शासन काल आया है इस सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का, और जब से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं तो अपने किए हुए घोषणा पत्र के सारे वादों को वो भूल गए हैं। हम उनको मात्र ये कहने के लिए वहां पर जा रहे हैं कि आपके पड़ोसी राज्य के अंदर हरियाणा के अंदर और आपका दूसरा पड़ोसी राज्य जहां से आप चुनाव की धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड, इन दोनों ही राज्य की सरकारों ने विधानसभा के अंदर विशेष सत्र बुला करके वहां पर ठेकेदारी प्रथा को बैन कर दिया है। तो हम इनको ये याद कराने के लिए जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप भी देश की राजधानी दिल्ली, जिसका मैसेज जिसकी आवाज़ पूरे देश के हर प्रदेशों के अंदर जाती है, आप भी दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली के युवाओं के लिए यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को आप बैन कर दें ताकि बैन होने के बाद में सरकारी नौकरियाँ निकल सकें और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग सभी लोगों को अपने आरक्षण का लाभ मिल करके लाखों की संख्या में जो बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहा है उनको कम से कम रोजगार मिले। तो ये अपना मैसेज देने के लिए, वादा खिलाफी की याद दिलाने के लिए देश के बड़े बड़े संगठन, जिसमें आज जिस कार्यालय के अंदर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का कार्यालय है और देश का सबसे बड़ा विभाग है हमारा एससी एसटी का, जिसके अंदर 4.5 लाख की मेंबरशिप हमारी है। हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी जनरल अशोक जी, जो हमारे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, आप उनके माध्यम से आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जा रही है। तो मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से देश की तमाम जनता को, अपने भाइयों को, बहनों को, और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में 80 संगठन अभी तक जुड़ चुके हैं। 80 संगठन अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उसमें सरकारी एसोसिएशन भी हैं, उसमें सामाजिक संगठन भी हैं और विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के मुद्दे से जुड़े हुए तमाम नगर निगमों में काम करने वाली यूनियन इसके अंदर अभी तक जुड़ चुकी है। इसलिए पहले चरण के अंदर हमने 25 सितंबर को एक संकल्प लिया था कि समाज के सबसे निचले तबके पर खड़े हुए हमारे भाई और बहन जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई का काम दिल्ली के अंदर करते हैं, हम पहले चरण के अंदर सबसे पहले उनका मुद्दा लेकर के चलेंगे। तो उनके मुद्दे को हल कराने के लिए
25-25 साल के पुराने कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए, जो लोग रिटायर होते हैं, जो हमारे सामान्य साथी 30-35 साल की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको टर्मिनल बेनिफिट्स नहीं मिलते और उनकी पेंशन की दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो विडंबना है कि इस पूरे देश के अंदर सफाई कर्मचारी सफाई करता है, गंदगी साफ करता है, सबको स्वच्छ रखता है, सबको बीमारियों से दूर रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग गंभीर बीमारियों का शिकार होकर के जो रिपोर्ट हमारी बताती है कि 60 साल की उम्र पूरी करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। इस विभाग में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मेडिकल की सुविधा आज तक सरकार ने मुहैया नहीं कराई है, जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा मूलभूत सुविधाओं के अंदर आता है। इसकी आवाज उठाने के लिए पहले चरण में हमने दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के लिए आंदोलन की शुरुआत की है और 25 अक्टूबर के प्रोग्राम में बहुत बड़ी तादाद में देश के सभी लोग, जिसके अंदर तमाम बहुजन संगठन, उसमें हर जाति का संगठन है, हर वर्ग का संगठन है, OBC भी है, ST भी है, सब लोग वहां पर आएंगे। उस दिन के लिए भी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से देश के अंदर गई हुई ये आवाज तमाम देश के युवाओं के लिए, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा सिर्फ SC ST और OBC के लिए नहीं, बल्कि ठेकेदारी प्रथा देश के हर युवा के लिए, वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, 100% युवाओं के लिए ठेकेदारी प्रथा एक अभिशाप है। ये ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होगी और सरकारों ने जो रवैया बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ताक पर रख करके केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारों ने जो आउटसोर्स की शुरुआत करके ये व्यवस्था बनाई है, उसका विरोध करने के लिए देश के सभी वर्गों के जो भाई और बहन और युवा हैं, उनको हम आह्वान करते हैं कि 25 अक्टूबर को वो केजरीवाल जी के घेराव के लिए वहां पर पहुंचे। आपको रोकते हुए मैं जानना चाहूंगा, 25 तारीख के लिए आप जो है आह्वान कर रहे हैं, वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी वजह से पूरे देश की जनता को आप आह्वान कर रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल को घेरने के लिए? ठेकेदारी प्रथा पर बैन करने के लिए, कोरोना काल में दिल्ली में जो 58 हमारे सफाई कर्मचारी शहीद हुए हैं, उन शहीद हुए कर्मचारियों को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने के लिए, जो हमारी 3 बहुजन बेटियां, उनके साथ अभी 2 महीने पहले जो बलात्कार की घटनाएं हुई है, उनकी हत्याएं हुई है, उनको मुआवजा निर्भया के केस की तर्ज पर उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, उनके परिवार के मेंबर को एक सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, उनके परिवार को रहने के लिए फ्लैट दिलाने के लिए, बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जिनको लेकर के हम मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैंने अभी बताई है कि दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा को बैन कराने के लिए और उनके द्वारा घोषणा पत्र के अंदर किए हुए वादों की याद दिलाने के लिए हम उसको घेरने के लिए जा रहे हैं। इसमें टिक मार्क में जो 2014 का मुद्दा है, इसमें 17 नंबर पर क्लियर लिखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो है उनको हम सबको खत्म करेंगे और परमानेंट जो है हम जो है सबकी भर्ती करेंगे। इसके बाद में 2015 का जो है, इसमें फिर इन्होंने 47 नंबर, चूंकि 70 सूत्रीय कार्यक्रम इन्होंने रखा था और 47 नंबर के ऊपर, ये 47 नंबर जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट टू बी रेगुलाइज, यानी कि ठेकेदारी प्रथा पर काम करने वाली जितनी भी रिक्तियां हैं सबको पक्का किया जाएगा और 2020 यानी कि 2015 से 2020 तक 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार चलने के बाद फिर दोबारा जनता को गुमराह किया गया। और 10 नंबर पॉइंट पर, ये 10 नंबर पॉइंट है, आप देख सकते हैं, इसकी कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूं, इसमें लिखा है कि नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति। अब सवाल यह है कि आज केजरीवाल जी कहते हैं कि सफाई कर्मचारी तो मेरे अंडर में नहीं आते, सफाई कर्मचारी तो MCD के अंडर में आते हैं। तो सफाई कर्मचारी अगर आपके अंडर में नहीं आते और 2015 से लेकर 2020 तक पूर्ण बहुमत की सरकार को आपने लीड किया है केजरीवाल जी, तो फिर इस घोषणा पत्र के अंदर 10 नंबर पर आपने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की घोषणा कैसे करी है, ये एक सवाल है अपने आप में। और 11 नंबर पर ठीक इसके नीचे बड़ा क्लियर लिखा है, सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं।
11 नंबर पर लिखा है 2020 के घोषणा पत्र में। आज दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए और दिल्ली को कोरोना से मुक्त कराने के लिए जहां पर जितना रोल देश के डॉक्टरों का है, जितना रोल यहां के मेडिकल स्टाफ का है, नर्सों का है, जितना रोल यहां की सिक्योरिटी का है, जितना रोल पुलिस का है, उससे कहीं ज्यादा रोल इस दिल्ली को स्वच्छ बनाने में सफाई कर्मचारियों का है। क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी हॉस्पिटलों की सफाई न करता तो न डॉक्टर अंदर हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर सकता था, ना किसी का इलाज होता। 58 कर्मचारी अपना काम करते हुए, सफाई करते हुए कोरोना काल के अंदर शहीद हुए हैं। तो जब ये घोषणा पत्र में दिया गया है तब तो कोरोना भी नहीं था, ये तो सिंपल मृत्यु होने पर 1 करोड़ के मुआवजे की बात की गई थी। आज कोरोना काल के अंदर जो 58 कर्मचारी शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। उसको ये याद कराने के लिए याद ही नहीं कराएंगे, उससे ये चीजें लेकर के आएंगे, इसलिए उनका घेराव करने के लिए हम जा रहे हैं।